भाई साहब क्या होगा मेरा, ये दिखता कैसा है यार, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज की ये वीडियो फिर से बाकी वीडियोस की तरह तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जैसी तगड़ी और क्रेजी चीजें हम बाकी सारी वीडियोस में करते हैं, वैसा ही कुछ इस वीडियो में भी करने का प्रयास किया है। सो भाई, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, इससे पहले हमने जो कपड़े पहने थे वो थोड़ा सा शरीफ वाली वाइब दे रहा था, लेकिन अब हम जो पहनेंगे वो थोड़ा गैंगस्टर वाली वाइब देगा, ताकि भाई मास्क वास्क लगा के और हुडी वगैरह पहन के बिल्कुल गैंगस्टर वाली फीलिंग्स लानी है। हमें इस वीडियो में टोटल 5 क्रिएचर्स को ढूंढना है, जो कि बहुत ज्यादा डरावने और बहुत ही खतरनाक भी हैं। एंड इन क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास इनकी फोटोज हैं। उसी फोटो की मदद से मुझे इनको फाइंड करना है कि ये भाई कहाँ पे हैं। एंड इन सारी फोटोज के लोकेशन के बारे में, क्योंकि भाई मुझे मैप बहुत अच्छे से पता है, तो मैं लोकेशन काफी हद तक जानता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है हमारा पहला क्रिएचर, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है, और इसे ही हमें सबसे पहले ढूंढना है। और जैसा कि इस फोटो को देख के लग रहा है कि ये फोटो या तो पेट्रोल पंप के आसपास की या फिर वहीं की फोटो है। तो यहाँ पे मैं अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर निकल चुका हूँ अपने पहले क्रिएचर को ढूंढने। बट भाई, रास्ते में जाते जाते मुझे ये वाला घर दिखता है। एंड मैंने बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा है कि वो कहते हैं कि ये हमारा पुराना घर है, पहले हमारा घर यहाँ पे था, अब उधर शिफ्ट हो गया है। एंड भाई, जब से मैंने इस गेम को खेलना शुरू किया है, इसकी वीडियोस बनाना शुरू की है, तब से मैंने आज तक इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा। लिटरली भाई, कदम रखना छोड़ो, मैं तो यहाँ पहली बार आया और पहली बार मैंने इस घर को देखा है। भाई आज तक तो मैंने इस घर को देखा भी नहीं था। तो जैसे ही मुझे ये वाला घर दिखता है, तो मैं सोचता हूँ भाई एक बार चल के देख लेते हैं, एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई कैसा था हमारा पिछला घर। सबसे पहले तो इस घर में भाई स्विमिंग पूल है सामने ही, जो कि हमारी नए वाले घर में भी है और इस वाले घर में भी है। और भाई, बड़ा वाला घर दिखने में भले ही बड़ा है, बट भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किचन वगैरह। देखो, यहाँ किचन दिया हुआ है, ये सारी चीजें हमारे नए वाले घर में नहीं है। भाई नए वाले घर में ऊपर जिम के सिवा कुछ है ही नहीं, बट भाई ये वाला घर देखो भाई कितना मस्त है। मुझे तो भाई पुराना वाले घर नए वाले घर से बहुत ज्यादा अच्छा है ये। भाई इस वाले घर में बाथरूम, किचन, डाइनिंग एरिया, भाई सब कुछ है, लेकिन भाई हमारे पुराने वाले नए वाले घर में कुछ भी नहीं है यार। तो ये वाला घर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। खैर छोड़ो, इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं भाई अपने गेम की तरफ और आगे बढ़ते हैं। भाई हमें जाना था क्रिएचर्स को ढूंढने, चलो चलते हैं क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए। तो जैसा कि मुझे लगता है कि भाई पेट्रोल पंप यहाँ पे आसपास में ही है, तो हमें पेट्रोल पंप के पास जाना है। और मैंने यहाँ दूर से ही देख लिया था, भाई क्रिएचर हमारा यहीं पे है। आई होप कि ये क्रिएचर मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। भाई ये क्रिएचर यार एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगा भाई छोटा सा होगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक क्रिएचर है। इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ गलत करे, उससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो भाई सही में यार, फर्स्ट वाला क्रिएचर बहुत खतरनाक था, अब ये है सेकंड क्रिएचर, जो कि भाई जुरैसिक पार्क के अंदर है। अब हमें वहां पे जाना पड़ेगा। चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि हमें इस वाले क्रिएचर को फाइंड करना है, लेकिन भाई वहां पे ढेर सारे डायनासोर्स भी होंगे, हमें उनका भी मुकाबला करना पड़ेगा, यानी कि बहुत दिक्कत होने वाली है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं कैसे भी करके क्रिएचर को ढूंढ के ही रहूंगा। बट उससे पहले हमें जल्दी जल्दी जाना होगा जुरैसिक पार्क के पास, जो कि भाई रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है, और मैं इसमें एंटर करने वाला हूं। और भाई आप सामने देख सकते हो, वो रहा क्रिएचर। भाई साहब मुझे निकलना पड़ेगा, ये इतना खतरनाक था कि मैं क्या बताऊं भाई, मैं जल्दी से वहां से निकल गया बस। यार ये तो बिल्कुल हूबहू डायनासोर की तरह लग रहा था, बट ये उससे बहुत ज्यादा अजीब था। डायनासोर की कैटेगरी का था, बट ये बहुत ज्यादा अजीब क्रिएचर था, मैंने इससे पहले ये ऐसे क्रिएचर नहीं देखे। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में फोटो देखना भूल गया, तो ये रही फोटो। और मैं भाई काफी सही जा रहा हूँ, रास्ता मुझे लगा कि मैं भटक गया हूँ, बट मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चलते जा रहा है। एंड फाइनली भाई मुझे यहाँ पे क्रिएचर मिल चुका है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और मुझे देखते ही भाई ये खड़ा हो गया। और ये भाई इतना खतरनाक है ना, कि अगर मुझे गलती से भी हमला कर दिया मेरे ऊपर, तो भाई मैं नहीं बचने वाला हूँ, इसीलिए मैं वहां से फटाफट निकल गया। और अब देखते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्रिएचर को, जो कि भाई ये वाली लोकेशन तो मुझे पता है भाई, ये तो हमारे जस्ट सामने एयरपोर्ट की लोकेशन है, जिसका रास्ता मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि भाई ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही है। तो फिर क्या था, तुरंत निकलते हैं भाई और चलते हैं इस क्रिएचर को देखने। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये वाला क्रिएचर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, सारे क्रिएचर्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और उनमें से ये भी बहुत खतरनाक है। तो भक्ता भक्ता मैं आ गया अपने घर, और अब देखते हैं अपने लास्ट क्रिएचर को। भाई ये तो किसी बिल्डिंग के ऊपर है यार, मुझे इसको ढूंढने के लिए भाई किसी जेट का यूज करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम चलते हैं भाई उसकी लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन पे जाने के बाद ही हम जेट का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर जा पाएंगे। एंड यहाँ से जस्ट सामने आपको जो बीच वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वही भाई उसी के ऊपर हमारा क्रिएचर पड़ा है। इस बिल्डिंग के ऊपर हमको जाना पड़ेगा कैसे भी करके। मुझे लगता है ये वाला क्रिएचर बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि भाई बाकी सारे जो क्रिएचर्स थे वो भाई जमीन पे थे, बट ये तो ऊपर, भाई बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहा है यार, सारे क्रिएचर्स नीचे, तुम भी नीचे रहो ना। खैर कोई बात नहीं, हम इसे ढूंढ लेंगे, जल्दी से जेट पैक को लेते हैं और भाई ऊपर चल के देखते हैं। तो आप जो सामने देख रहे हो भाई, ये क्रिएचर भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है यहाँ पे। अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। आई होप गाइस ये वाली वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके बाकी बहुत सी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं, उसे आपके देख सकते हो। और भाई कमेंट करके बता देना मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए या फिर नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।